हेलो स्टूडेंट्स, गुड वेलकम टू चंद्रा चिटन पब्लिक स्कूल आनंद नगर महाराज गंज। स्टूडेंट, जैसा कि हम पार्ट फोर में पेज नंबर 12 में आपको बता चुके थे, अब हमारा नेक्स्ट वीडियो पेज नंबर 13 है, जो कि यूजफुल प्लांट्स के बारे में है, उपयोगी पौधों के बारे में है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक प्रकार से क्रॉसवर्ड पजल ही है। तो आइए देखते हैं कि क्या इसमें आपको देखना है, इसको समझिए आप। तो देखिए, यूजफुल प्लांट्स के बारे में, जो महत्वपूर्ण पौधे हैं, जो उपयोगी पौधे हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए लिखा है, प्लांट्स आर ऑल अराउंड अस लाइक अस। ईच प्लांट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। द मेन पार्ट ऑफ प्लांट्स आर रूट सिस्टम, ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। इसका मतलब ये है कि पौधे हमारे चारों ओर होते हैं, हमारे चारों तरफ पौधे ही पौधे हैं। हमारी तरह हर पौधे के भी अलग अलग क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, अलग अलग हिस्से होते हैं। उसमें जो मेन पार्ट है पौधों के, वो है आपके जानते ही हैं, रूट है, स्टेम है, ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं और फ्रूट्स हैं। मतलब जड़ है, तना है, शाखाएं हैं, पत्ते हैं, फूल और फल, ये सब जो है प्लांट के एक पार्ट होते हैं। सम प्लांट आर एक्सट्रीमली यूजफुल टू अस। और पौधे, कुछ जो पौधे होते हैं हमारे लिए बहुत ही बेहद उपयोगी होते हैं। तो आइए स्टूडेंट, देखा जाए, रीड द क्लूज एंड कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। क्लूज को रीड कीजिए और क्रॉसवर्ड पजल को कंप्लीट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, इसको आप नीचे देख सकते हैं, पजल आपका यहाँ पे है, जैसा कि एक क्रॉस और डाउन में लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये पजल्स जो है, ये सब चीज़ जो है आपको फिलअप करने हैं। तो देखिए लिखा स्टूडेंट, द स्टेम ऑफ दिस प्लांट गिव्स जूस फ्रॉम विच शुगर इज मेड। मतलब कि इस पौधे का जो तना होता है, वो हमें जूस देता है, और जिससे कि शुगर बनाया जाता है। तो देखिए एक क्रॉस में, सेकंड देखिए, क्रॉस मीन्स द हॉरिजॉन्टल, जैसे सीधी लाइन खींची होती है। तो सेकंड देखिए, हमने एक क्रॉस में शुगर केन भरा हुआ है। वो ऐसा प्लांट है जो जिसके स्टेम से क्या होता है, जूस निकलता है और उससे जो है चीनी बनाई जाती है। तो देखिए एक क्रॉस में हमने शुगर केन लिखा हुआ है। बुक में देखिए एक हेल्प बॉक्स नहीं बनाया है, लेकिन हम वहाँ पर ई लगा दिए, SUGARCA, यानी शुगर केन। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, एक क्रॉस में फोर्थ नंबर है, दिस ट्री हैज मेडिसिनल वैल्यू। मतलब इस पेड़ का एक औषधीय महत्व होता है, और वो पेड़ कौन सा है जिसका एक औषधीय महत्व होता है। तो आप देखिए फोर्थ नंबर पे क्या है, नीम है। नीम ही एक ऐसा पेड़ है जिसका कुछ औषधीय महत्व होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सिक्स नंबर, दिस ग्रास ग्रोज टू टाल दैट इज कॉल्ड द एलिफेंट ग्रास। मतलब यह घास इतनी लंबी हो जाती है कि इसे हम जो है हाथी घास कहते हैं। यह घास इतनी लंबी होती है कि इसको हम हाथी घास के नाम से, एलिफेंट ग्रास के नाम से भी पुकारते हैं। देखिए सिक्स एक क्रॉस में, देखिए क्रॉस में सिक्स नंबर क्या है, तो सिक्स में एक क्रॉस में देखिए ये आपका है बम्बू, ठीक है, लेकिन इसमें जो है जो पजल बनाया हुआ है वो थोड़ा रंग है। तो आप इसको बम्बू, BAMBOO, बम्बू, बम्बू मीन्स बांस। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए सेवन नंबर, इट इज़ ए लार्जली फाउंड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड हैज़ ए डिलीशियस फ्रूट विथ टेस्टी वाटर इनसाइड। मतलब यह मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में पाया जाता है, और स्वादिष्ट के साथ एक स्वादिष्ट फल भी होता है, और इसके अंदर पानी भी होता है। ये कौन सा ऐसा फ्रूट है, आइए देखते हैं सेवंथ में। सेवंथ में एक क्रॉस में आप देखिए क्या है, कोकोनट है, कोकोनट, ठीक है। देखिए COCONUT, सेवंथ नंबर पे कोकोनट लिखा हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट, नाइन्थ नंबर, ए डिजर्ट प्लांट, एक रेगिस्तानी पौधा, एक डिजर्ट प्लांट। नाइन नंबर पे एक क्रॉस में आ जाइए, देखिए नाइन नंबर पे लिखा है कैक्टस, CACTUS, कैक्टस। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, 11 नंबर क्या है, वुड ऑफ दिस ट्री इज़ यूज टू मेक क्रिकेट बैट्स। मतलब इस पेड़ की लकड़ी का उपयोग जो है क्रिकेट बनाने के लिए किया जाता है। तो वो ऐसा कौन सा पेड़ है, देखिए स्टूडेंट्स 11 नंबर क्या है, एक क्रॉस में विलो, WILLO, विलो। ओके, अब हम आते हैं स्टूडेंट्स डाउन पे।
तो देखिए डाउन पे आपका क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है और पजल में कैसे भरना है। देखिए फर्स्ट है पजल में, लीफ ऑफ दिस प्लांट आर सेंसिटिव टू टच, मतलब इस पौधे की जो पत्तियां होती हैं स्पर्श के प्रति जो है सेंसिटिव होती हैं, संवेदनशील होती है। तो फर्स्ट नंबर पे देखिए डाउन में क्या लिखा है, ये लिखा मीमोसा, MIMOSA, मीमोसा। फर्स्ट में डाउन में मीमोसा। सेकंड में देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन, दिस ट्री इज फेमस फॉर इट्स फ्रैग्रेंस, मतलब यह वृक्ष अपनी सुगंध के लिए बहुत ही फेमस है। तो ऐसे ट्री को हम क्या कहते हैं। सेकंड में देखिए डाउन साइड में, तो देखिए थोड़ा सा डार्क लिखा हुआ है, तो लिखा है SANDLEWOOD, सैंडलवुड। सैंडलवुड जो है अपने फ्रैग्रेंस के लिए, अपने सुगंध के लिए बहुत ही फेमस प्लांट है। ओके थर्ड नंबर देखिए, लीव्स ऑफ दिस ट्री आर यूज्ड एज प्लांट्स इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के दक्षिणी भाग में इस पेड़ की पत्तियों का उपयोग प्लेटों के रूप में किया जाता है। मतलब भारत में इस पेड़ की जो पत्तियां होती हैं इनका उपयोग जो है प्लेट के रूप में किया जाता है। तो थर्ड देखिए स्टूडेंट, थर्ड में डाउन में देखिए क्या है, बनाना यहाँ भी किया जाता है, बहुत से लोग करते हैं बनाना के जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, उसको प्लेट के रूप में उसके लोग भोजन वगैरह भी करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट फिफ्थ नंबर, द ब्रांच ऑफ दिस ट्री इज यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ पीस, मतलब इस पेड़ की जो शाखा है उसका जो है इस्तेमाल एक शांति के प्रतीक के रूप में किया जाता है। तो फिफ्थ में डाउन में चले आइए, आप देखिए क्या है, ओलाइव, OLIVE, देखिए फिफ्थ में डाउन में ओलाइव लिखा हुआ, OLIVE, ओलाइव। अब देखिए स्टूडेंट एट नंबर, वी गेट चॉकलेट फ्रॉम द सीड्स ऑफ दिस ट्री, इस मतलब कि हम जो है क्या करते हैं, इस पेड़ की जो बीज होती है इस पेड़ के बीज से हम जो है चॉकलेट हमको मिलती है, इस पेड़ के बीज से हमको चॉकलेट मिलती है। तो वो कौन सा ट्री है, तो आइए देखते हैं एट नंबर। देखिए एट नंबर पे देखिए लिखा है डाउन में, COCOA, कोको, ठीक है, कोको नाम के ट्री से जो है हमको चॉकलेट प्राप्त होती है। ओके टेन नंबर देखिए स्टूडेंट, दिस प्लांट इज सैक्रेड फॉर द हिंदूज, ठीक है, यह पौधा जो है हिंदुओं के लिए पवित्र माना जाता है। तो ऐसे प्लांट का जो है नाम क्या है, देखिए 10 नंबर में देखिए, आप सभी के घर में होगा ये पौधा, तुलसी, TULSI। ओके इस प्रकार स्टूडेंट्स ये चैप्टर जो है आपका जो क्रॉस डाउन जो पजल था ये समाप्त हो गया। ओके तो हाँ स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं पेज नंबर 14 पे, जो है आपका टॉकिंग ऑफ ट्रीज, मतलब टॉकिंग ऑफ ट्रीज का मतलब पेड़ों से बात। तो हम पेड़ों की जो बात होती है वो क्या होती है, बात मतलब बात करना, पेड़ों से हालांकि कोई बात नहीं करता है, लेकिन इसमें भी हमको क्या है, क्लू बॉक्स दिया हुआ है, देखिए नीचे क्लू बॉक्स दिया हुआ है, उसी क्लू बॉक्स की सहायता से हमको उस पेड़ को पहचान करके उसके नीचे उसका नाम लिखना। देखिए लिखा भी है, राइट द नेम्स ऑफ दीज ट्रीज विद द हेल्प ऑफ द क्लूज बॉक्स, मतलब इन पेड़ों के जो नाम है, जो क्लू बॉक्स है उसकी सहायता से आपको उन पेड़ों के नाम को लिखना है। तो स्टूडेंट देखिए फर्स्ट जो दिया है उस पेड़ को आप जो है आइडेंटिफाई कीजिए कि वो कौन सा पेड़ है। आप देख रहे होंगे कि वो जो है जो फर्स्ट टाइप का पेड़ है वो किस प्रकार का पेड़ है स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो पेड़ है बहुत लोग बहुत सारे जगह पे देखते हैं। तो देखिए आप वो है आपका अशोक का ट्री है, अशोक का जो पेड़ होता है उसी का ट्री है। तो देखिए आप अशोक का ट्री देखिए यहाँ पे क्लू बॉक्स में दिया है, ठीक है, ASHOKA अशोक का, ठीक है, अशोक का ट्री है। फिर आइए स्टूडेंट सेकेंड नंबर वाला ट्री देखिए, आप पहचानिए देखिए वो किसका ट्री है, देखिए वो नीम का ट्री है, ठीक है, वो नीम का पेड़ है। तो देखिए इसमें भी नीम का पेड़ क्लू बॉक्स से आप यहाँ से देख करके आप अपने वहाँ फिगर के नीचे भर सकते हैं नीम का ट्री। थर्ड देखिए स्टूडेंट, थर्ड जो है वो आपका किस प्रकार का पेड़ है, वो ये है आपका कोकोनट ट्री है। तो देखिए कोकोनट ट्री क्लू में दिया हुआ है, कोकोनट ट्री, तो थर्ड में आप कोकोनट ट्री जो है फिल करेंगे। फिर स्टूडेंट देखिए फोर्थ नंबर पर क्या है,
फोर्थ नंबर पे आप आइडेंटिफाई कीजिए किस प्रकार का पेड़ है वो, तो वो है गुलमोहर का पेड़। ओके, गुलमोहर ट्री है। तो देखिए फोर्थ नंबर पे आप गुलमोहर ट्री फिल करेंगे। फिफ्थ में देखिए स्टूडेंट, फिफ्थ में किस प्रकार का पेड़ है, किस प्रकार का ट्री है, तो फिफ्थ में आपका पीपल का ट्री है। वो देखिए पीपल क्लू बॉक्स में है भी, तो वहाँ पे आप फिफ्थ में पीपल का ट्री आप फिलअप करेंगे। ओके, उसके बाद फिर देखिए स्टूडेंट सिक्स में, तो वो आपका यूकलिप्टस का पेड़ है। वो तो यूकलिप्टस देखिए सबसे अंतिम में क्लू बॉक्स में दिया हुआ है, तो यूकलिप्टस का पेड़ आप उसमें फिलअप कर सकते हैं, करेंगे। ओके, तो अब ये स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर जो है फिनिश्ड हो गया। हाँ स्टूडेंट, देखिए कुछ अच्छी बातें भी इसमें और भी हैं। देखिए, रेड जियांट्स आर द लार्जेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, दे ग्रो अप टू ए हाइट ऑफ अबाउट 300 फीट। रेड जियांट्स जो है दुनिया के सबसे बड़े पेड़ हैं और वे लगभग 300 फीट की ऊंचाई तक बढ़ते हैं। ओके, ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन है कि वो कौन सा ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है जो 300 फीट की ऊँचाई तक बढ़ते हैं, वो है रेड जियांट्स। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए स्टूडेंट, आपसे भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि ट्री ग्रोज ऑल इट्स लाइफ, मतलब एक ट्री जो है, एक पेड़ जो है वो जीवन भर बढ़ता है। ये ट्री ग्रोज ऑल इट्स लाइफ, मतलब एक पेड़ जो है जीवन भर उसकी बढ़ोतरी होती रहती है। फिर दूसरा है पॉइंट, सम ट्रीज हैव ए रेस्ट पीरियड इन विंटर, दे ड्रॉप देयर लीव्स बिकॉज दे आर नॉट नीडेड फॉर मेकिंग फूड। इसका मतलब ये स्टूडेंट, कुछ पेड़ों में जो है सर्दियों में, ठीक है, विंटर के सीजन में आराम की अवधि होती है, कुछ पेड़ों में सर्दियों में जो है उनकी आराम की अवधि होती है, वे अपने पत्ते गिराते हैं क्योंकि उन्हें भोजन बनाने की आवश्यकता होती है। ओके, थर्ड स्टूडेंट, द सैप इज कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रंक ऑफ ए रबर ट्री बाय मेकिंग ए डीप कट, मतलब रबड़ के पेड़ के तने से अगर हम गहरा जो है कट बनाकर रस एकत्रित किया जा सकता है, मतलब कि जो पेड़ रबड़ के जो पेड़ होते हैं उनसे हम गहरा कट, डीप कट, मतलब बहुत गहराई में काट दें तो उसमें उससे जो है कुछ रस जो है एकत्रित किया जा सकता है, कलेक्ट किया जा सकता है। फिर स्टूडेंट, प्रूनिंग इज गुड फॉर दी हेल्थ ऑफ ए ट्री, मतलब प्रूनिंग मतलब होता है छटाई, छटाई जो होती है एक पेड़ के लिए, एक पेड़ के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। जैसे पेड़ को छटाई करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा कटिंग, तो वो जो है पेड़ के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, उसके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। फिर देखिए स्टूडेंट, द सीड ऑफ ए कोकोनट ट्री कैन स्प्रेड फ्रॉम वन आइसलैंड टू अनदर बाय फ्लोटिंग ऑन द सी, इसका मतलब ये स्टूडेंट, नारियल के पेड़ के जो बीज होते हैं वो समुद्र के द्वारा, समुद्र पर तैर कर एक द्वीप से लेकर के, ठीक है, एक द्वीप से लेकर के और दूसरे द्वीप में फैल सकते हैं। ओके, तो अच्छी अच्छी बातें, मतलब एक आइसलैंड से लेकर के दूसरे आइसलैंड तक फैल सकते हैं तैर करके। कौन से ट्री, किसके सीड, कोकोनट ट्री के सीड जो होते हैं वो एक द्वीप से दूसरे द्वीप में फैल सकते हैं और तैर के, स्विम करके। ओके, ये स्टूडेंट्स आपका ये, अब देखिए स्टूडेंट्स आपका है पेज नंबर 15, द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स, मतलब फूलों की दुनिया। तो आइए इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं लिखा। फ्लावर आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट, मतलब फूल जो है वो पौधे का सबसे खूबसूरत हिस्सा होते हैं। प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, दीज आर ऑफ वेरियस साइज शेप कलर एंड फ्रेग्रेंस, मतलब पौधों में विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं और ये विभिन्न आकार, रंग और सुगंध के भी होते हैं, विभिन्न प्रकार के आकार होते हैं, विभिन्न प्रकार के कलर्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के उनमें महक होती है, सुगंध होती है। ओके, आइए देखते हैं, लुक एट द पिक्चर्स एंड द नेम ऑफ द फ्लावर्स, नेम द फ्लावर्स, चूज आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, मतलब आप निम्नलिखित पिक्चरों को देखिए और उनके फूलों को देखिए, ठीक है, चित्रों को देखिए और फूलों के नाम बताइए, किसकी सहायता से, हेल्प बॉक्स की सहायता। देखिए हेल्प बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो आइए एक एक करके हम पढ़ते हैं और उसके बाद हेल्प बॉक्स में आप लोग हेल्प बॉक्स की सहायता से अपने बुक में फिलअप भी करते रहिएगा। फर्स्ट है, दीज पिंक वायलेट आर लिलियक फ्लावर्स आर फाउंड स्पेशली इन द माउंटेन्स, मतलब ये है, ये जो है गुलाबी बैगनी जो रंग के जो फूल होते हैं वो पहाड़ों में विशेष रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो फूल होते हैं पहाड़ों में विशेष रूप से पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस फूल का नाम है, देखिए
इस फूल का नाम है आपका रोडोडेंड्रॉन। देखिए रोडोडेंड्रॉन RHODODENDRON, इसको आप फर्स्ट नंबर पे फिल कीजिएगा, रोडो RHODODENDRON रोडोडेंड्रॉन। सेकेंड स्टूडेंट देखिए, दीज लवली फ्लावर्स आर कॉमनली यूज फॉर डेकोरेशन। दे ब्लॉसम अराउंड ए लॉन्ग स्ट्रेट स्टाल्क एंड कैन बी येलो पर्पल वाइट रेड और ऑरेंज। सेकेंड है, ये जो प्यारे फूल हैं आमतौर पर सजावट के लिए ही उपयोग किए जाते हैं और ये एक लंबे सीधे डंठल के चारों ओर खिलते हैं और ये पीले भी हो सकते हैं, बैंगनी भी हो सकते हैं, सफ़ेद भी हो सकते हैं, लाल या नारंगी भी हो सकते हैं। तो ऐसे हम फ्लावर्स को क्या कहते हैं, कौन सा ऐसा फ्लावर है जिसको डेकोरेटिव मतलब सजावटी के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आइए देखिए, इस फ्लावर का नाम है ग्लैडियोलस। देखिए GLADIOLUS ग्लैडियोलस, ओके, ये आप सेकंड नंबर पे फिल कर सकते हैं ग्लैडियोलस। अब देखिए थर्ड नंबर क्या है, दीज फ्लावर्स है ब्राइट येलो पेटल सराउंडिंग दिस सीड ऑफ दिस प्लांट आर प्रेस्ड टू प्रोड्यूस ऑयल। अब देखिए इसका मतलब ये स्टूडेंट कि इन फूलों में एक डिस्क के चारों ओर चमकीली पीली पंखुड़ियाँ होती हैं। इस पौधों के बीजों को दबा करके प्रेस्ड करके उनसे तेल को निकाला जाता है, मतलब तेल बनाया जाता है। ये जो फ्लावर्स हैं ये ब्राइट होते हैं, येलो होते हैं, जो इनकी पंखुड़ियाँ होती हैं पेटल्स जो होते हैं ब्राइट होते हैं, येलो होते हैं, और ये जो है क्या होते हैं चारों ओर जो है इस फूल में लगी रहती हैं और इसके बीज से जो है तेल, बीज को दबा करके इसको प्रेस्ड करके तेल बनाया जाता है। तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं स्टूडेंट। देखिए तीसरा सनफ्लावर, देखिए सनफ्लावर आपके हेल्प बॉक्स में है, SUN FLOWER सनफ्लावर। आइए स्टूडेंट फोर्थ नंबर पर चलते हैं, दिस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ जापान, इट हैज़ कर्ल्ड पेटल्स, इट ब्लूम्स इन पिंक येलो वाइट एंड रेड। तो फोर्थ में देखिए इसका मतलब यह है कि यह जापान का जो है राष्ट्रीय फूल है, दिस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ जापान, यह जापान का राष्ट्रीय फूल है। इसमें घुमावदार पंखुड़ियाँ होती हैं, यह गुलाबी पीले सफ़ेद और लाल रंग में खिलती हैं। तो फोर्थ नंबर आपका है स्टूडेंट, देखिए इसको हम कहते हैं, इसको कहा जाता है स्टूडेंट फोर्थ नंबर, इसको कहा जाता है क्रिसैंथेमम, ठीक है, इसको कहा जाता है क्रिसैंथेमम। तो ये है आपका गुलदाउदी का पौधा, ठीक है, इसको कहते हैं गुलदाउदी। देखिए CHRYSANTHEMUM क्रिसैंथेमम, तो ये आप फोर्थ नंबर पे भर सकते हैं। फिफ्थ नंबर देखिए स्टूडेंट, ए मेंबर ऑफ द लिली फैमिली, दिस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि लिली परिवार का यह एक सदस्य और यह भारत का एक राष्ट्रीय फूल भी है, तो इसको आप जो है भर सकते हैं स्टूडेंट। लोटस, आप तो सभी लोग जानते होंगे लोटस, सबसे लास्ट में हेल्प बॉक्स में लिखा हुआ लोटस, तो लोटस को आप फिफ्थ नंबर में फिल कर सकते हैं। अब देखिए सिक्स्थ नंबर आपका क्या है, दीज फ्लावर हैव अनयूजुअल शेप्स विद ब्यूटीफुल कलर एंड आर वाइडली फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस फैमिली ऑफ फ्लावर इज रिगार्डेड एज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इन फूलों में सुंदर रंगों के साथ, इसका हिंदी है कि इन फूलों में सुंदर रंगों के साथ असामान्य आकार होता है, मतलब सामान्य आकार नहीं, असामान्य अनयूजुअल शेप मतलब असामान्य आकार होता है और पूरी दुनिया में बहुत ही व्यापक रूप से पाए जाते हैं। ये फूलों के इस परिवार को फूलों के पौधों का सबसे बड़ा परिवार माना जाता है, दिस फैमिली ऑफ फ्लावर इज रिगार्डेड एज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब कि फूलों के इस परिवार को फूलों के पौधों का सबसे बड़ा परिवार, सबसे बड़ी फैमिली मानी जाती है। तो इसके लिए आप ये जो है सिक्स नंबर जो इसमें ऑर्चिड नाम का जो फूल है, यह जो है सबसे बड़ी फैमिली का फूल होता है, सबसे ORCHID, तो सिक्स में आप ऑर्चिड भरेंगे, ओके स्टूडेंट। अब आइए देखिए स्टूडेंट कुछ और भी जान लेते हैं। देखिए क्या आप जानते हैं, द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस सैफ्रॉन इज मेड बाई ड्राइंग द पार्ट ऑफ
क्रोकस फ्लावर्स, क्लोव्स एंड पेपर्स आर अदर फ्लावर्स स्पाइसेज। क्या आप जानते हैं कि सबसे महंगा मसाला, द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस, सबसे महंगा मसाला क्रोकस के फूलों के हिस्सों को सुखाकर केसर बनाया जाता है। ओके, क्रोकस मीन्स केसर, ठीक है, हिस्सों को सुखा करके इसके फूलों के हिस्से, क्रोकस के फूल, फूलों के हिस्से को सुखा करके सैफ्रान मतलब केसर बनाया जाता है। और क्लोव्स एंड कैपर्स आर अदर फ्लावर स्पाइसेस, क्लोव्स मीन्स होता है लौंग, लवांग जिसको कहते हैं लौंग, और कैपर्स ये जो है अन्य फूल के मसाले होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो फूलों से हमको मसाले भी प्राप्त होते हैं, स्पाइसेस भी प्राप्त होते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपका स्टूडेंट चैप्टर जो यूनिट वन का पेज नंबर 15 था, ये आपका समाप्त हो चुका है, फिनिश हो गया। ओके।